और ये दो ऊंट है जो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत ऊंट है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इसे सजाया गया है और बड़े नाज और नखरों से जो है वो पाला गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं सफेद रंग का ऊंट है, इसे भी बड़े अपना खूबसूरती से सजाया है। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये कैमल की कुर्बानी करने जा रहे हैं, उससे कबल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शहरियों का जो है वो काफी रश लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हुए। तो हमारे साथ जो शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा, कितने का ऊंट लिया था आपने? ये घर पाला हुआ जी। अच्छा, घर पाला हुआ, बड़े नाजुक नखरों से पाला है। क्या क्या खिलाया इसे? जैसे मक्खन, देसी घी, पट्ठे, बाकी जो इसका चारा है ये खाता है। तुमने तो ब्रेमी की अदायगी के लिए जो है वो इन्होंने ऊंट पाला था और अब वक्त आ गया इसे कुर्बान करने का। ये सफेद रंग का ऊंट है जी, सफेद रंग का ऊंट। और ये दूसरा ऊंट जो है वो कौन सा है? वो लाल रंग का है, ब्राउन रंग का। ये कौन सा ऊंट, क्या मसल है इसकी? ये और ये दूसरा वाला जो ऊंट है ये ब्राउन कलर का है जी, ब्राउन कलर का ये ऊंट है जी। ये और एक ये दो ऊंटों की जो है वो कुर्बानी दी जाएगी और हम आपको दिखाएंगे इसकी अपना के कैसे कुर्बानी की जाती है, ऊंट कैसे कुर्बान किया जाता है। तो यहाँ पे शहरियों का रश लगा बड़ी तादाद में। यहाँ पर देखिए हर उम्र के अफराद यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बड़े सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पे काफी जो है वो रश है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये ब्राउन रंग का ऊंट है, दो ऊंट है जो अब से चंद लम्हों बाद जो है वो कुर्बान किए जाएंगे। और यहाँ बड़े ही खूबसूरती के साथ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ इन्हें सजाया गया है, पाला गया है, बच्चे की तरह परवरिश की गई है, नखरे उठाए गए। और अब जो है वो सुन्नत इब्राहिमी, आज दूसरा दिन है ईद का और दूसरे दिन जो है वो सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। तीसरे रोज भी इसी तरह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहेगा। इत्तेमाई कुर्बानी जो है उस पर ज्यादा इस बार जोर जो है वो दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊंट जो है वो कुर्बान किए जाएंगे अभी चंद लम्हों बाद। और हमारे साथ जो यहाँ शहरी मौजूद है उनसे हमारी बात भी हो रही है। तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए और यहाँ पर रश लगा काफी। आप ये देखें कि शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, काफी ज्यादा रश है देखने के लिए। यहाँ पर जो है वो दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं यहाँ पे ऊंट की कुर्बानी को देखने के लिए। बच्चे बड़े सभी यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ईद कुर्बान के मौके पर जो है वो यहाँ पर आप देखें कि इज्तिमाई कुर्बानी जो है उस पर ज्यादा इस बार जो है वो जोर दिया जा रहा है।